नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सोनागिरे क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने आचार्य पुष्प दंत सागर सभागृह अमोल वाली धर्मशाला में विदाई समारोह धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो आया है वह दिन जाएगा, जरूरी निश्चित है, मगर जाने से पहले वे कुछ ऐसे काम करके जाएं जिससे वे अमर हो जाएं। कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरह जिया ये महत्वपूर्ण है। तीर्थकर महावीर केवल 72 साल जिए, मगर अपने जीवन काल में जो इतिहास लेकर चले गए, जो आज भी लोगों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुनिश्री ने आगे कहा कि संत आते हैं, ज्ञान का प्रकाश भक्तों के दिलों में जगा कर चले जाते हैं, क्योंकि संत और सरिता कभी एक जगह नहीं ठहरते। अगर वे एक जगह ठहर जाएं तो वे अशुद्ध हो जाते हैं। संतों के पैर चंचल होते हैं, शावकों का मन चंचल होता है। मुनिश्री ने आगे कहा कि संत और दीपक हमेशा जगत कल्याण क्रिय स्वयं चलकर दुनिया को प्रकाशित करते हैं। संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। क्योंकि जिस दिन मुनि का नगर में आगमन होता है तो उस दिन कहते हैं कि आज महाराज का आगमन है, लेकिन जिस दिन मुनि का विहार होता है उसे कहते हैं कि आज मुनि महाराज का गमन है। आप गमन में तो गमन नहीं थे, लेकिन गमन में आगमन नहीं थे। जो आया है वह जाएगा ये निश्चित है, लेकिन जो जाएगा फिर वापस लौट करके आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। आज सुबह जो एक बच्चा मेरे पास में आया, बोले महाराज तुम ये बताइएगा कि किसी का दिल दुखाना पाप है या पुण्य है। मैंने कहा कि भाई किसी का दिल दुखाना तो डेफिनेटली पाप है। बोले फिर महाराज आप थक जाओगे, मेरा दिल दुखेगा आपको। अब अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता तो उसको जवाब दिया जा सकता, लेकिन कोमल मन के अंदर उठने वाले प्रश्न जो है उनके अंदर छल और कपट नहीं होता है। इसीलिए इस दुनिया का प्रदत्त नियम है कि जो आया है वह जाएगा, लेकिन इस आने जाने के बीच में कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो दुनिया में इतिहास बना करके चले जाया करते हैं। तीर्थंकर महावीर भी इस दुनिया में आए और आकर के चले गए, लेकिन कम समय में वह इतिहास बना करके चले गए कि आज सारी दुनिया उनके सिद्धांतों पर चल करके जो है जीवन का उत्थान करने के बारे में विचार। क्योंकि महावीर 30 वर्ष की बड़ी जवानी में संन्यास धारण करते हैं, 42 वर्ष की उम्र में वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और 72 साल की उम्र में वह निर्वाण प्राप्त करके चले जाते हैं। लेकिन कई लोग जो है उम्र पूरी कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। याद में रखिएगा, कितने जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरीके से जिए ये महत्वपूर्ण है। अरे तीर्थ बनाकर के जिंदगी को जिए या तमाशा बनाकर के जिंदगी को जिए। जो लोग जिंदगी को तमाशा बनाकर के जीते हैं उनकी जिंदगी अभिशाप बन जाया करती है, पर जो जिंदगी को तीर्थ बनाकर के जीते हैं वह महावीर की तरह से दुनिया में पूज्य हो जाया करते हैं। महावीर